वेरी गुड मॉर्निंग, आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि पुलिस अगर आपको आती है गिरफ्तार करने के लिए तो आपके पास क्या कानूनी उपचार है, कानूनी अधिकार है जिसका उपयोग आप कर सकते हैं, पुलिस से आप कैसे बातचीत कर सकते हैं और उस बातचीत से जो भी प्रतिफल होगा वो भविष्य के लिए कितना कारगर हुआ, कितना सक्षम होगा, ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आप अगर चैनल पे नए हैं तो निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए जो भी वीडियो पावरफुल आपको बनाना के योग्य होगा और आपको कानूनी ताकत देगा, उसको मैं छोटे छोटे क्लिप के माध्यम से लेके आपके सामने लाऊंगा। अगर आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो निश्चित रूप से इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, आप जानते हैं जब कभी कोई भी ऑफेंस घटित होती है तो पुलिस क्या करती है, गिरफ्तार करती है। तो पुलिस अगर आपके पास आती है गिरफ्तार करने के लिए और आपको पता नहीं है कि क्या हुआ है, तो सबसे पहले आप पुलिस से पूछ सकते हैं कि आप जो मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं ये किस जुर्म में कर रहे हैं, ऐसा कौन सा मैंने अपराध किया जिसके लिए आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, या फिर अगर आपके पास गिरफ्तारी का वारंट है तो वो दिखा दीजिए। ये दो चीज़ तो एकदम परफेक्ट है। तीसरी बात है कि विशेष परिस्थिति में अगर आपको गिरफ्तार किया ही जा रहा है तो आप उससे कानूनी उपचार के तौर पर वकील का मदद मांग सकते हैं और आप कह सकते हैं कि हम अपने मनपसंद के किसी वकील को साथ ले जाना चाहते हैं। साथ नहीं ले जाना चाहते हैं तो उससे बात करना चाहते हैं और आपको ये चीज़ जो है वो मना नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर आप थाने जा रहे हैं तो भी आप अपने वकील को लेके जा सकते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कोई भी ऑफेंस अगर घटित होता है और पुलिस अगर गिरफ्तार करती है तो अगले 24 घंटा के अंदर उसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने जो है उपस्थित करना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप उनके खिलाफ भी कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले ये तीन चीज़ तो पूछना ही है कि आप किस जुर्म में मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं। अगर जुर्म की बात अगर आप जानते हैं, आपके संज्ञान में है, तो फिर अलग बात है। अगर आप नहीं जानते हैं और वो अगर बताने से इनकार कर जाता है तो उसके पास गिरफ्तारी का वारंट होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो आप मेडिकल जो है जाँच का आप मांग कर सकते हैं कि मुझे मेडिकली जांच करवा के गिरफ्तार करवाया जाए, फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया जाए। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित होने के बाद भी आप मेडिकल का मांग कर सकते हैं। तो ये छोटी चीज़ थी लेकिन बहुत काम की चीज़ थी, ऐसे घबराना नहीं चाहिए। अगर आपने कोई भी ऑफेंस में इंक्लूड नहीं है, उनमें सहयोग नहीं किया है, कोई भी घटना घटित हुई है उसे आपका कोई लेना देना नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। पुलिस आए, कोई भी आए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आके अगर आपसे पूछते हैं, आपको जानकारी होती है तो आप बताएंगे, नहीं तो झूठ बताने से क्या फ़ायदा है। तो ऐसी स्थिति में आप ये काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। अगर आपको वकील से मदद लेते हैं तो वकील को साथ ले जाएं थाना, फिर कहीं कोई दिक्कत है नहीं। आपका जो भी समस्या होगा वो तो वकील का हो ही जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, लगे रहिए, भिड़े रहिए। धन्यवाद, खुश रहिए।